और चलिए शुरुआत करें अहम खबर के साथ। शिमला के राज्य सचिवालय में आज दोपहर 3 बजे सुखू कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में नई भर्तियों को लेकर कैबिनेट फैसला ले सकती है, साथ ही सीएम सुखू की ओर से की गई घोषणाओं पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। तो आज दोपहर बाद राज्य सचिवालय में ये अहम बैठक रखी गई है। माना जा रहा है कि नई भर्तियों को लेकर आज कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। इसके अलावा सीएम सुखू की कुछ अहम घोषणाओं पर भी मोहर लग सकती है। दिल्ली से लौटने के बाद पहली बार ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये माना जा रहा है कि कई अहम फैसले हैं, कई अहम घोषणाएं हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है। इसके अलावा भर्तियों को लेकर कोई बड़ा निर्णय आज सुखू कैबिनेट यहां पर ले सकती है। दोपहर बाद राज्य सचिवालय में ये बैठक रखी गई है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कैबिनेट इसमें नई भर्तियों को लेकर फैसला ले सकती है। इसके अलावा सीएम सुखू की कई घोषणाओं पर भी इस कैबिनेट में मोहर लगने का अनुमान है। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है, राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी और सीएम सुखू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, सीएम सुखू इससे पहले दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए थे। दिल्ली में कई अहम मुद्दों पर आला नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और क्या कुछ उस मुलाकात में रहा उसकी झलक इस कैबिनेट की बैठक में देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से सीएम का बयान आया था कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, कैबिनेट की बैठक में काफी कुछ तस्वीर इसको लेकर आज स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा भर्तियों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 3 बजे राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक है, माना जा रहा है कि भर्तियों को लेकर कोई बड़ा फैसला, घोषणाओं पर इसमें मोहर लग सकती है। कौन सी वो बड़ी घोषणाएं हैं और क्या कुछ इस बैठक में आज रहने वाला है अहम? रणबीर, बिल्कुल जैस्मीन, कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और लंबे समय बाद ये बैठक होने वाली है। ऐसे में कई अहम मुद्दों के ऊपर आज कैबिनेट में डिस्कस भी हो सकता है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कई बड़े फैसले भी आज की कैबिनेट में हो सकते हैं। इससे पहले नगर निगम के चुनाव शिमला के हुए और मुख्यमंत्री के दौरे लगातार हुए, कई हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की मुलाकातें भी केंद्रीय मंत्रियों से हुई है, तो उनका भी जो रिजल्ट है वो इन कैबिनेट की बैठक में डिसीजंस के रूप में देखने को मिल सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री के भी कई बातचीत केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई है, उनका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो कई अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में होने की उम्मीद है। इसके अलावा क्योंकि बड़ा एक संकेत पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया कि कई बड़े फैसले और कठोर फैसले हिमाचल सरकार कर सकती है, तो ऐसे में ये भी अब और प्रदेश की जनता को तैयार रहने के लिए भी उन्होंने कहा है। तो जो मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है उसको उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो उसके संदर्भ में इस कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वो कठोर कदम है जो प्रदेश सरकार आय बढ़ाने के लिए ला सकती है, क्या फिर से बढ़ोतरी जिस प्रकार पिछली बार मुख्यमंत्री ने ये कहा था और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में एकदम से इंक्रीज़ हुआ, हिमाचल सरकार ने जो वैट कम रखा था स्टेट वैट उसको बढ़ा दिया, उसके सब्सिडी कम कर दी, तो उसी प्रकार के कुछ फैसले अब आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। जनता को तैयार रहने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है और ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि प्रदेश की आर्थिकी को और सुदृढ़ करने के लिए बड़े कदम हिमाचल सरकार उठा सकती है। अब क्या वो कदम रहने वाले हैं वो इस कैबिनेट में भी आ सकता है, लेकिन जो पूरा लग रहा है जिस प्रकार की स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से है कि आने वाले 5 से 6 महीने तक, क्योंकि अब कोई चुनाव नहीं है, जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से जो एक रोड मैप है उसको अब तैयार करने की कोशिश करेगी, नींव अब डालने की कोशिश की जाएगी ताकि आगे आने वाले जो 4 साल हैं उनको फिर इम्प्लीमेंट उस अनुसार किया जा सके। तो अब वो कड़े फैसले लेने का
समय है और आज की कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो एलिमेंट्री टीचर का मुद्दा था उसके ऊपर कैबिनेट की तरफ से निर्णय हो सकता है। हालांकि शिक्षा मंत्री की तरफ से संकेत दिए गए थे कि जब तक केंद्र की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आता है, हालांकि बात केंद्रीय मंत्री के साथ हुई है, केंद्रीय सेक्रेटरी के साथ हुई है और लोगों के साथ हुई है, अधिकारियों के साथ हुई है, लेकिन जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं आता हिमाचल सरकार कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकती है। लेकिन हो सकता है कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर, प्री प्राइमरी के लेकर कोई निर्णय हो। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पद चल रहे हैं उनको लेकर कोई निर्णय किया जा सकता है। और जो एक सबॉर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर, जब उसको लेकर जो पूरा विवाद है उसके ऊपर फैसला हो सकता है। हालांकि कमेटी की तरफ से अभी एक बैठक हुई है इसमें और उसमें कुछ बड़ा कंक्लूजन नहीं निकल पाया है, लेकिन उस दिशा में भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस कैबिनेट के इसी के ऊपर है कि क्या वो बड़े फैसले हैं जो हिमाचल सरकार ले सकती है और जिसके संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल राजेंद्र, कौन से बड़े फैसले सुखू सरकार आज लेगी और कौन से ऐसे फैसले पूर्व में लिए हैं जिन पर आज मोहर लगेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। खास बात यह है कि सीएम सुखू के साथ साथ दो कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, रोहित ठाकुर और इसके अलावा अनिरुद्ध सिंह ग्रामीण विकास मंत्री, और उन्होंने भी कई आला नेताओं से मुलाकात की है। उनके पिटारे से क्या कुछ निकल कर आएगा यह भी देखना काफी अहम होगा। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम करीब 1 बजे होना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार कल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन हमीरपुर छात्र संघ कर रहा है। तो हमीरपुर छात्र संघ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हर साल की तरह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है। बड़ी बात यह है कि इस बार खुद सीएम सुक्खू यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कल अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बात एक और बड़ी खबर की, जहां आईपीएल सीजन 16 के लिए धर्मशाला तैयार है और आज पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होने वाला है, लेकिन इस मैच में मौसम खलल डाल सकता है। मौसम विभाग ने दोपहर बाद बारिश का अनुमान जताया है। इससे पहले दोनों टीमों ने प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। इससे पहले दोनों ही टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी थी और नेट प्रैक्टिस यहां पर जमकर की गई। धर्मशाला और क्रिकेट स्टेडियम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आईपीएल 16 के लिए आज शाम मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। प्लेऑफ के लिए पंजाब की टीम ये मुकाबला खेलने जा रही है। 12-12 मैच दोनों ही टीमों ने खेल लिए हैं। पंजाब जहां 6 जीत कर 6 हारी है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो अभी तक मैच 4 मुकाबले दिल्ली जीत पाई है और 8 दिल्ली ने हारे हैं। पंजाब के लिए ये अहम मुकाबला आज रहने वाला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम आज खलल डाल सकता है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, रोमांच पूरा है, उत्साह पूरा है, खिलाड़ी भी नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसकी आशंका है वो है बारिश, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि शाम को बारिश हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस रोमांच पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आएगा। विचित्र, देखिए जैस्मिन, वैसे भी धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है और हमेशा ही मैच चाहे कोई भी हो यहाँ पर बारिश का संशय हमेशा से बना रहा है। साल 2003 में जब से ये स्टेडियम जो है वो अस्तित्व में आया है, तब से जो है मैच जब भी हुए हैं तो बारिश के आसार कहीं ना कहीं बने ही रहते हैं। इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो बारिश के देवता माने जाते हैं इंद्रनाग देवता, उनके पास जाकर पहले ही मान मनौती होती है, प्रार्थना होती है, हवन यज्ञ होता है ताकि बारिश का जो ये संकट है वो टलता रहे। लेकिन अगर हम लोग अगर थोड़ा सा इतिहास देखें मैचों का, जैस्मिन धर्मशाला के स्टेडियम का, तो उसमें हुआ क्या है, अब तक जो है वो 17 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहाँ पर हुए हैं, उनमें से जो देखें 12 जो है वो T20 हुए हैं, 4 वनडे हुए हैं और 1 टेस्ट हुआ है और सफलतापूर्वक हुए हैं। महज 2 मैच जो है वो बारिश में धुले हैं, 1 मैच T20 का और 1 मैच वनडे का। अब ये जो कब धुले हैं, ये धुले हैं 2019 में जब T20 का मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका था वो धुल गया था, और साथ ही साथ जो है वो भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका के साथ ही भारत का जब वनडे मैच था वो भी जो है वो साल 2020 में मार्च में वो धुल गया था। तो क्योंकि उस वक्त तो बारिश का कोई आसार नहीं होता, सितंबर में बारिश के कोई आसार नहीं होते,
मार्च में बारिश का इतना ज्यादा आसार नहीं होते। बावजूद इसके जो मैच धुल गए थे उससे बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो गया था कि हमेशा ही जब भी बीसीसीआई की ओर से या आईसीसी की ओर से जो है यहाँ पर मैच दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है संकट का साया उस पर हमेशा बरकरार रहता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है अब इसमें सब एयर सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया है जैस्मिन, कि अगर बारिश होती भी है तो महज चंद मिनटों सेकंडों में जो है उस जो पानी होगा वहां से उसको ड्रेनेज के रास्ते बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हुई है और उसका प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा अगर बारिश होती है तो। हाँ, अब हम दूसरी बात कहते हैं कि आज जो मैच हो रहा है निश्चित तौर पर रोमांच बहुत है जैस्मिन, बहुत एक्साइटमेंट है। 20 से 22 हजार की कैपेसिटी ग्राउंड की है अगर हम लोग देखें तो, और दूसरा अगर हम लोग देखें तो तमाम टिकट जो वो सॉल्ड आउट हो चुकी हैं। और ऐसे में अगर आज जैसे मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही कहा है कि आज दोपहर बाद बारिश हो सकती है, लेकिन उस बारिश के जैसे मैंने कहा था कि इंदुनाग देवता के पास जाकर पहले ही मानव मनौती हो चुकी होती है, तो अब जो है ये ऐसे में अगर बारिश होती है तो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन उस वक्त तक हो सकता है कि बारिश थम भी जाए। लेकिन अभी भी आसार कोई ऐसे बन नहीं रहे हैं, लेकिन धर्मशाला के ऊपर ऊपर बादल जरूर घूमन घूमन कर आ रहे हैं जैसे। ठीक है विचित्र, और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं। आज आईपीएल का मैच बेहद खूबसूरत एचपीसीए के स्टेडियम में खेला जाएगा, महत्वपूर्ण मैच है पंजाब के लिए और टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। किस तरीके से नज़ारा रहेगा इस स्टेडियम का आज और कितना रोमांच इस मैच के दौरान रहेगा ये देखना अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा। विचित्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक 22 मई से 24 मई तक, G20 बैठक पर सबकी निगाहें आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की उम्मीद। श्रीनगर में G20 समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है पाकिस्तान, सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले 100 लोगों के प्रोफाइल और नंबर का पता चला। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ पाकिस्तान के अभियान पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूर मोहम्मद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करना कश्मीरी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो हमें पाकिस्तान या किसी और देश से कोई सरोकार नहीं है, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर का कहना है कि G20 बैठक को लेकर विभाग की ओर से काफी कदम उठाए जा रहे हैं जिसके तहत नगरों के सौंदर्यीकरण की परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जा रहा है। कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बैठक के शांति पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने मशोबरा में आयोजित 2 दिवसीय सिपुर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर सीएम ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल्द ही एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में दुग्ध उत्पादकों से 10 लीटर गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर प्रतिदिन खरीदने का वादा किया था और सरकार इस योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। आने वाले समय में आप वो देखेंगे कि हम एक आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं
जो आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए, उस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। कैबिनेट में आए दिन हम कहीं ना कहीं पुराने कानूनों को बदलकर नए कानूनी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकास को रोकेंगे। किसी प्रकार के विकास को नहीं रोकेंगे। अपने आय के साधन बढ़ाने के लिए हम अपने प्रयोग को और अपने आय को कैसे बढ़ाना है, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। सीपुर मेले में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली की दिशा में धकेला है और इससे उबरने में प्रदेश को वक्त लगेगा। आपको बता दें, मेले में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। आप आने वाले 1-2 साल में देखेंगे 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लिया जाएगा और भैंस का दूध 100 रुपए किलो के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन अभी उस योजना का अमली जामा पहनाया जा रहा है, कहां से दूध इकट्ठा करना है, कहां उसको बनाना है, पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम विकसित कर रहे हैं, उसके बाद इस योजना को लागू करेंगे। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, अभी हमारी सरकार को 5 महीने हुए हैं। जिस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को जो आर्थिक बदहाली की दिशा में धकेला है, उससे उभरने में हमें अभी समय लगेगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पर जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति पर, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार पर चढ़ा हुआ है। आए दिन हमें अब बड़ी कड़ी मेहनत के बाद अपने राज्य को चलाने के लिए धन का प्रावधान करना पड़ता है, लेकिन हम इनसे पीछे हटने वाले नहीं है। हम रात के 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक जो व्यवस्था पिछले 40 साल में बिगड़ी है, उसको सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग अपने पांव पर खड़े हों, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हमें कम से कम इन्हें मजबूत करने में कम से कम 10 साल लगेंगे और 5-4 साल लगेंगे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में, और 10 साल में हिमाचल प्रदेश आप गौरव महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। बगरेच विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बहरी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के निर्माण की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। दरअसल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये संयंत्र स्थापित कर रहा है। बैठक में सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है और सरकार इस परियोजना को पूरा सहयोग देगी। यहां सीएम ने जिला प्रशासन को भंजल से संपर्क सड़क के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्लांट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का आश्वासन दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि ये प्लांट स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर के साथ साथ पंजाब के पास के जिलों के किसानों को अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट से फायदा पहुंचेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। शिमला में ये चेक उप मुख्यमंत्री ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया, जिस पर सीएम ने इस पुनीत कार्य के लिए माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट का आभार भी जताया।
शिमला में खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी खेल संघों के साथ बैठक की गई है, जिसमें खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को सुविधा देने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सितंबर या अक्टूबर में ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 40,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। साथ ही बैठक में ग्रामीण ओलंपियाड के आयोजन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। समय से आप देख रहे हैं, हमने मीडिया में कहा है कि हम एक ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, रूरल गेम्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हम तो जहां तक जब हम बात कर रहा हूं, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो केवल फैसिलिटेटर्स है, जो पीछे से समर्थन सरकार दे सकती है, मगर जो जमीन स्तर पर कार्य करना है वो हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशंस में और हमारे जितने इसके वेरियस एसोसिएशंस है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनका इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आज हमने उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा, सबसे पहले जो नंबर वन एजेंडा था कि हमने रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना है, और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें हमने अभी तक जो एस्टिमेट लगाया है कि करीबन इसमें 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, करीबन 20,000 मेन एंड 20,000 वुमेन। इसका अभी हम एक पूरा खाका बना रहे हैं, जिसपे अभी मोटी मोटी चर्चा हमने सभी अपने एसोसिएशन के लोगों से करी है, कौन कौन सी गेम्स को उसमें हमने रखना है उसके बारे में अभी एक और राउंड ऑफ टॉक्स आने वाले समय में होगा, और फिर उसके बारे में हम एक डिटेल्ड आपको जानकारी आने वाले समय में देंगे। मगर इसको हमने टेंटेटिवली जो है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाना है। चलिए खबर मंडी से, जहां प्रताप चंद नाम के शख्स ने अपने ही ससुर पर पिटाई और कार जलाने का आरोप लगाया। प्रताप चंद ने कहा कि उसके ससुर ने नशे में इस घटना को अंजाम दिया। प्रताप ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है और ससुर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैंने बोला चलो आपको छोड़ देता हूँ, वापस उसने मेरे को चांटा मारा, लात मुक की मारी और गाड़ी की शीशे तोड़ दिए और मेरे को मारा। सिर में देखो कितनी चोटें लगी है। हाँ जी, वो दो बंदे थे, उन्होंने फिर आग गाड़ी की शीशे तोड़ दी, फिर आग लगा दी गाड़ी में, फिर मैं भाग गया उधर से। आज लगभग सुबह 5:30 बजे के करीब एक प्रताप चंद नाम का आदमी, जो गाँव त्रिंड डाकघर गंगोटी सिल्ला डोल कराने वाला है, और उसके पास अपनी HP 01M 1228 टैक्सी गाड़ी है। तो जो प्रताप चंद जो अपनी टैक्सी लेकर अपने ससुर को लेकर उसके घर गए, उसके साथ एक नीतू राम नाम का आदमी था, जो उसके ससुराल चले गए और ससुराल में बैठ गए, और इन्होंने कुछ ससुर ने मतलब उसको कंबल किया होगा शराब शुरू के लिए। उसका थोड़ी देर बाद इसके ससुर ने अपने हाथ में कोई लेटर लिया था, जिसने बताया कि लेटर था उसके हाथ में, और इसके ससुर ने उसकी गाड़ी को आग लगा दी, जिसके इसकी गाड़ी जल गई है। आगे बढ़ेंगे, मनाली की आराध्य देवी माँ हिडिम्बा के परिसर में मिनी दशहरे की धूमधाम से शुरुआत हो गई। डूंगरी गांव में माता हिडिम्बा के जन्मदिन के मौके पर चलने वाले 3 दिवसीय डूंगरी मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें कुल्लू के बंजार से घटोत्कच देवता माता से मिलने अपने सैकड़ों श्रद्धालुओं और कारकुनों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। मेले में इस मौके पर कुल्लू के पारंपरिक परिधानों में कुल्लवी नाटी का आयोजन हुआ। देवी माता के विशेष व्यक्ति देवी चंद और पुजारी रमन शर्मा ने बताया कि डूंगरी मेला धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। ये हिडिम्बा माता का मेला जो है, ये ज्येष्ठ मास की पहली तिथि को इसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 3 दिन तक यहाँ होता है और 2 दिन मनाली गांव में, ओल्ड मनाली। दूर दूर से यहाँ देवी देवता आते हैं। आज तो छोटा मेला है, आज ज्यादा नहीं होंगे, कल शायद 14-15 देवताओं के आने की उम्मीद है। तो भारी भरकम भीड़ जो है कल देखने को मिलेगी। ये जो देखिए, जो माता जी का जन्म दिवस है, ये एक ऐतिहासिक जन्मदिन है और ये पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चला हुआ है और इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो पिछले कल जो माता जी का जन्मदिन होता है, तो जो पालकी है माता जी की, कल यहाँ पहुँचती है मनाली गांव से, उसके बाद ये मेला मनाया जाता है और 3 दिन का चलता है। इसमें घाटी के सभी देवी देवता अपनी हाजिरी भरते हैं और इस जो माता का जन्म दिवस है यहाँ पे शामिल होते हैं।
इस मेले में। ये देखिए जो घाटी है हमारी कुल्लू घाटी है, यहाँ पे जो माता जी का मंदिर है इसको पूरी संपूर्ण घाटी का गुरुद्वारा माना जाता है, इसलिए सभी देवी देवता यहाँ पे आते हैं और इस जो माता जी का मंदिर है वो विशेष। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार। We'll be right back.